एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। लड़का बहुत हैंडसम था और लड़की भी गजब की खूबसूरत थी। उसकी ब्यूटी सारे कॉलेज में फेमस थी। लड़की बहुत अमीर घर से थी पर लड़का गरीब घर से था। इस बात से लड़की के घर वाले खुश नहीं थे और नहीं चाहते थे कि लड़की उस लड़के से कोई रिलेशन रखे। लड़की ने सोचा कि और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि लड़की के पेरेंट्स का दिल जीता जाए। उसने उनके घर पर आना जाना शुरू कर दिया और अपने बिहेवियर को एकदम नॉर्मल रखा। धीरे धीरे उसके बारे में लड़की के पेरेंट्स की राय बदल गई। उन्हें भी वो लड़का पसंद आ गया लेकिन उन्होंने कहा, बेटा प्यार करना तो अच्छी बात है पर अपनी लाइफ में कुछ बनना भी ज़रूरी है। लड़की ने वादा किया कि ऐसा ही होगा, कुछ बनने के बाद ही आपकी लड़की का हाथ आपसे मांगूंगा। वक्त बीतता गया और उनकी लव रिलेशनशिप चलती रही और पढ़ाई भी। फिर वह टाइम आया जब लड़के का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। लड़का आर्मी ज्वाइन कर चुका था। ट्रेनिंग ख़त्म करके आया तो लड़की के पेरेंट्स के पास शादी की इजाज़त मांगने गया। लड़की के पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि उनका होने वाला सन इन लॉ आर्मी ऑफिसर है। उन्होंने भी हाँ कर दी। लड़का और लड़की दोनों बहुत खुश थे। उनका प्यार अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जा रहा था। दोनों की आंखों में सुनहरे सपने तैर रहे थे। पर तभी एक प्रॉब्लम हो गई। वॉर हो गई पड़ोसी कंट्री से और लड़के को जाना पड़ा। लड़की ने रोते रोते लड़के को बाय कहा और फिर भी कई दिनों तक रोती रही। हर दिन वो दुआ मांगती कि वॉर ख़त्म हो जाए और उसका लवर वापस आ जाए उसके पास। लेकिन लड़की की लाइफ में कुछ और लिखा था जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। लड़की एक दिन मार्केट से घर आ रही थी तभी एक ट्रक वाले ने उसे ठोकर मार दी। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। लड़की को हॉस्पिटल में जब होश आया तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स उसके पास खड़े हैं और उसकी मॉम रो रही है। वो तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरी खबर है। पहले तो उसके मन में उसके मंगेतर का ख्याल आया। मॉम ने कहा, नहीं बेटा वो बिल्कुल ठीक है, वॉर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो लड़की ने पूछा, तो फिर बात क्या है, तुम इतने रो क्यों रहे हो? फिर उसके पापा ने कहा कि बेटा एक्सीडेंट में तुम्हारा चेहरा बहुत ख़राब हो गया है। जब लड़की ने अपना फेस मिरर में देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। उसका पूरा फेस बिगड़ गया था। वह हद से ज़्यादा बदसूरत लगने लगी थी। उसने सोचा, ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे इतने सुंदर चेहरे का ये हाल कैसे हो गया। फिर उसके मन में अपने मंगेतर का ख्याल आया। उसने सोचा कि इस हाल में वो उसके सामने कैसे जा पाएगी, वो उसे देखकर रिजेक्ट तो नहीं कर देगा। फिर उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपनी हैप्पी रिलेशन की यादों को सैड नहीं होने देगी और उसने सोचा कि अब वो कभी अपने चेहरा उस लड़के को नहीं दिखाएगी। फिर तो उस लड़के के कितने मैसेज आए, फ़ोन आया, पर उस लड़की ने ना कभी रेस्पॉन्स दिया ना ही बात की उससे। 2 महीने बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। अपनी मम्मी पापा के सहारे धीरे धीरे चलते हुए जब वो अपने घर में दाखिल हुई तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। सामने उसका लवर वो लड़का अपने हाथ में बहुत बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया था। सारे घर में लिखा हुआ था, वेलकम टू होम माय लव। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। प्यार तो वो करती थी पर जैसे उस लड़के ने उसका हाथ पकड़कर कहा आई लव यू, उसकी रुलाई छूट पड़ी। बहुत देर तक रोने के बाद उसने पूछा, क्या मेरे चेहरा देखकर अभी भी तुम ऐसा ही सोचते हो? तो उसने कहा, मैंने तुम्हारी मॉम से पूछा कि क्या बात है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम एक्सीडेंट की वजह से सोचती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करूँगा। लेकिन पगली, मैंने तुम्हारे चेहरे से नहीं, तुम्हारे मन से, तुम्हारे दिल से प्यार किया है, करता हूँ और करता ही रहूँगा। दोस्तों, कोई लोग अपनी ज़िंदगी में प्यार को मजाक समझ बैठते हैं तो कोई लोग उसके लिए अपनी जान गंवा बैठते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चर्चस ऑफिशियल।